राजकुमार राव और कृति सैनन स्टार रोमांटिक कॉमेडी फिल्म का टाइटल हुआ फाइनल। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बॉली क्रिक न्यूज़। राजकुमार राव और कृति सैनन स्टारर एक कॉमेडी फिल्म में नज़र आने वाले हैं और माना जा रहा था कि इस रोमांटिक कॉमेडी का नाम होगा सेकेंड इनिंग्स, लेकिन अब रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म का नया टाइटल तय हो चुका है और फिल्म का नाम है हम दो हमारे दो। गौर मतलब है कि इससे पहले राजकुमार राव और कृति सैनन 2018 में फिल्म बरेली की बर्फी में साथ नज़र आए थे। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं अभिषेक जैन और इसे प्रोड्यूस करेंगे दिनेश विजयन। फिल्म में राजकुमार राव और कृति सैनन एक कपल को अडॉप्ट करेंगे और फिर छूटेंगे हंसी के फवारे। यह फिल्म कुछ असली किस्सों से इंस्पायर्ड है। खबर है कि फिल्म में सीनियर कपल की भूमिका में दिखाई देंगे परेश रावल और डिम्पल कबाड़िया। फिल्म की शूटिंग चंडीगढ़ में आज से शुरू हो रही है, जिसके लिए पूरी यूनिट वहाँ पहुँच चुकी है। खबरों की माने तो फिल्म बहुत ही टाइट शेड्यूल पर शूट होगी और इसे दिसंबर से पहले ख़त्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। कृति के लिए साल काफ़ी दिलचस्प सुनल था। पहली बात है कि सलमान के साथ कभी ईद कभी दिवाली करने वाली थी। इसके अलावा कृति सैनन मिमी की शूटिंग कर रही थी। इस फिल्म में वो एक सरोगेट माँ की भूमिका में दिखाई देने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद सब कुछ इधर उधर लटक गया। वहीं बात अगर राजकुमार आ गए तो काफ़ी समय से दर्शकों से दूर हैं। जहाँ साल 2018 में उन्होंने 5 फिल्मों के साथ सबका ध्यान खींचा था, लेकिन 2020 में अब उनके पास प्रोजेक्ट्स की भरमार है। कृति ने 2019 की धमाकेदार शुरुआत की थी कार्तिक आर्यन के साथ रोमांटिक कॉमेडी फिल्म लुका छुपी के साथ। मार्च 2019 में आई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की और कृति और कार्तिक के करियर को भी नए मोड़ मिला। राजकुमार राव की आखिरी यादगार फिल्म थी साल 2018 में आई स्त्री। अमर कौशिक की इस फिल्म के लिए उन्हें ढेरों सराहना मिली और बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन भी उन्हें मिला था। कृति सैनन का नाम फिलहाल कई फिल्मों से जोड़ा जा रहा है, जहां उनके पास बच्चन पांडे, कभी ईद कभी दिवाली जैसी फिल्में हैं। वहीं प्रभास स्टार आदि पुरुष के लिए भी उनका नाम सीता के लिए आगे आ रहा है। और राजकुमार राव की बात करें तो वो भूमि पेडनेकर के साथ बधाई हो का सिक्वल साइन कर चुके हैं और अनुराग बासु की लूडो के अलावा वो हार्दिक मेहता की रोही अफजा में जानवी कपूर के साथ दिखाई देंगे। हंसल मेहता के साथ उनकी फिल्म छलांग अमेजन प्राइम पर रिलीज होने वाली है इस दिवाली पर। वहीं प्रियंका चोपड़ा के साथ वो नेटफ्लिक्स पर द वाइट टाइगर में भी नज़र आने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।